तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी मुरादाबाद। आज तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी के डेंटल कॉलेज एंड रिसर्च सेंटर के डिपार्टमेंट ऑफ ओरल मेडिसिन एंड रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में नेशनल यूजी कन्वेक्शन 2019 का आयोजन किया गया। स्टूडेंट्स को दंत चिकित्सा को बेहतर बनाने के लिए क्या क्या प्रयास करने चाहिए, आज के कन्वेक्शन का मुख्य उद्देश्य था। IOMR प्रेसिडेंट डॉक्टर विशाल, सेक्रेटरी डॉक्टर शीर्षा, आवर गेस्ट स्पीकर्स डॉक्टर ज्ञान सुंदरम, डॉक्टर अशोक, एमिनेंट फैकल्टी मेंबर्स, माय डियर स्टूडेंट्स, वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। ऑल्सो आई वुड लाइक टू वेलकम ऑल द डेलीगेट्स हू हैव कम अक्रॉस इंडिया to participate in this lovely UG convention. This particular institution, it's a, I think, 10 years old institution. Visionaries thought to improvise the standards of dentistry. For that, I congratulate and then I thank Professor Suresh Jain, the chief patron and the vice chancellor of this particular university. I request all of you to give him a big round of applause. At this era of dentistry also, he thought of shifting the whole dental fraternity to the new level and introducing new technique, introducing new equipment. I feel you are all blessed, those who are working here and those who are studying here, you are all blessed to have such a thing. But that is not the case when you go to a oral medicine and radiology. I think you must have experienced this part. You are going to see the neonatal baby to an older man. You are going to see variety of cases. You are going to see diseases, disorder, defect, everything which is occurring in the maxillofacial region. That is what is an importance of oral medicine and radiology. That is what we are going to highlight in this next 2 hours about the specialty of oral medicine and radiology, and then the implication of that specialty for your future practices. What is oral medicine? Ever since the human beings were born, diseases were born. Ever since the diseases were born, medical people have evolved to control the disease, to make the person free from disease. Originally, the first specialty came medicine. In the world, I'm not telling in India, in the world, first they started medicine. From there only the other specialties came. Ye program तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी के डेंटल कॉलेज में जो आयोजित किया गया है, इंडियन एकेडमी ऑफ ओरल मेडिसिन और रेडियोलॉजी जो ब्रांच है डेंटिस्ट्री की, इसके अंतर्गत ये प्रोग्राम BDS स्टूडेंट्स के लिए ऑर्गेनाइज किया गया है, जिसमें हम इस सब्जेक्ट यानी कि ओरल मेडिसिन एंड रेडियोलॉजी सब्जेक्ट की महत्वता के बारे में सारे स्टूडेंट्स को और एक तरह से इन्फ्यूज़ करते हैं, और हम ये चाहते हैं कि सारे स्टूडेंट्स मोटिवेट हों, क्योंकि ये वो सब्जेक्ट है जो कि सारी डेंटिस्ट्री का फाउंडेशन है। आई वुड लाइक टू थैंक सुरेश जैन, मेन पैट्रन एंड देन वाइस चांसलर ऑफ दिस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी फॉर हैविंग टेकन अप दिस पर्टिकुलर इनिशिएटिव इन एजुकेटिंग द स्टूडेंट, नंबर वन। आफ्टर एजुकेटिंग द स्टूडेंट, दे विल बी यूजफुल फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ वेरियस डिसीजेस, एस्पेशली तंबाकू से क्या क्या परिणाम होता है, इंट्रा ओरली मुँह में क्या क्या डिसीजेज होता है, उसके बारे में उन सभी लोगों को हम बता रहे हैं। बाद में उसको कैसे प्रिवेंट करना है और उसको कैसे ट्रीट करना है, उसके भी बारे में इधर हम चर्चा करेंगे। आज 9 मार्च 2019 को IAOMR द्वारा आयोजित नेशनल UG कन्वेंशन का आयोजन TMU में किया गया था। इसमें 400 से अधिक पार्टिसिपेशंस देश के तकरीबन 9 विभिन्न राज्यों से किए गए। इसमें ओरल मेडिसिन के प्रख्यात प्रोफेसर डॉक्टर ज्ञान सुंदरम और डॉक्टर अशोक ने पार्टिसिपेट किया और उन्होंने अपना लेक्चर BDS के स्टूडेंट्स को दिया। ये प्रोग्राम हमारे चांसलर सर श्री सुरेश जैन जी और हमारे वाइस चेयरमैन सर श्री मनीष जैन जी के सहयोग से संपन्न हुआ। इस प्रोग्राम द्वारा
हम ये अपेक्षा रखते हैं कि जो जानकारी इन प्रोफेसर्स ने हमारे बीडीएस स्टूडेंट्स को दी, वो जानकारी वो अपने स्किल्स को और अच्छा बनाने में उपयोगी होंगे। हमारा ये कदम दंत चिकित्सा को और प्रसिद्ध बनाने का है और मैं ये समझता हूँ कि ये कदम हमारे मरीजों के लिए बहुत लाभदायक होगा। धन्यवाद।